हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जय मदान और आज मैं बात करूंगी आप हर समय जो रिंग्स पहने रखते हैं इसका पर्पस क्या है। यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं सफायर पहन लो, कोरल पहन लो, ये सब इस सब को हम मेंटेन कैसे करें। पहनते तो सब हैं लेकिन रिजल्ट सबको नहीं आते। आपको बताएं क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई रिंग पहनते हैं तो ये आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। सेकेंडली ये आपको और ज़्यादा इनकरेज करती है आपके प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर। एग्जाम्पल समझिए, सर्दी का मौसम है, अब मैं डेली एक शर्ट पहनती हूँ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मुझे सर्दी से बचना है तो मैं एक शर्ट पहनती हूँ। अब यही शर्ट मैं सुबह, दोपहर, शाम, रात हर समय पहने रखूँ, हफ्तों दर हफ्तों, महीना और साल भर हो जाए मैं इस शर्ट को पहने रखूँ, तो क्या ये शर्ट मुझे प्रोटेक्ट करेगी? ये मुझे बीमार करेगी, क्योंकि मैं इसको अगर ड्राई क्लीन पे नहीं दे रही हूँ, उसको साफ़ नहीं कर रही हूँ, इसको क्लीन नहीं कर रही हूँ, तो फिर ये मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगी, इवेंचुअली मुझे ख़राब करेगी। ठीक इसी तरीके से आप जो स्टोन्स पहनते हैं, कई बार फीमेल्स एस्ट्रोलॉजिकली नहीं हर दिन एक ही डायमंड की रिंग पहने रखती हैं कि ये मेरा वेडिंग बैंड है मैं पहनती हूँ। बहुत सारे मेल्स भी ऐसे पहनते हैं, नॉट जस्ट एस्ट्रोलॉजिकली, आप वैसे भी अगर कुछ पहनते हैं और हर दिन उसको पहनते हैं तो उसको चार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये सब कुछ अब्सॉर्ब करते जा रहा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर इसको अगर हम ड्राई क्लीन नहीं करेंगे, इसको वॉश नहीं करेंगे, तो कैसे ये आपको एनर्जी देगा? ये ज़रूरी है। और सबका धुलने का मेथड अलग है, सबका चार्ज होने का मेथड अलग है। कोई पेट्रोलिंग से ड्राई क्लीन होगा, कोई किसी चीज़ से होगा, कोई किसी चीज़ से होगा। हर कपड़ा अलग तरीके से होता है ना हैंडल, ठीक इसी तरीके से हर स्टोन भी अलग तरीके से हैंडल होता है। हाउ टू डू इट, वील स्टार्ट विथ रूबी, क्योंकि सन का स्टोन है, सन प्लैनेट के लिए पहना जाता है। इसको डेली आप पहनते हैं, इसको लोग इस फिंगर में पहनते हैं, इसको डेली पहनते हैं, इसको चार्ज कैसे करेंगे? इसको हम गंगा जल लेंगे। व्हाई आई टॉक अबाउट गंगा जल, कहाँ गया? मिल गया। तो गंगा जल या कोई भी होली वाटर, मस्जिद का पानी हो सकता है, चर्च का हो सकता है, मंदिर का हो सकता है, गुरुद्वारे का हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस रिलीजन को मानते हैं। दैट इज़ इररिलेवेंट कि आप वहाँ से लेकर आए या गंगा जल लेकर आए, आप जिसको मानते हैं ना वहीं का होली वाटर ले आइए बस। तो हमने इसको लिया रूबी को और डिप किया होली वाटर में और सनराइज़ में रख दिया 40 मिनट्स के लिए। आफ्टर 40 मिनट्स इसको निकालिए, वॉश कीजिए और वापस पहन लीजिए, ये चार्ज हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ वंस अ वीक ऑन अ संडे, दैट इज़ इट, और इसका पूरी तरह से चार्जिंग का प्रोसेस ठीक हो जाएगा। सन के बाद आता है पर्ल। पर्ल अगर आप पर्ल पहनते हैं, मोती पहनते हैं, लोग इस फिंगर में पहनते हैं, कई बार ब्रेसलेट पहनते हैं, नेक में पहनते हैं, पर्ल या कोई भी सिल्वर की चीज़ अगर आप डेली पहनते हैं तो उसकी चार्जिंग ज़रूरी है। इसकी चार्जिंग वंस अ मंथ करनी है, पूर्णिमा के दिन, फुल मून नाइट, पानी लेना है, उसमें दो चार ड्रॉप्स रॉ मिल्क के डालने हैं और फुल मून नाइट में छोड़ देना है बाहर, और फिर अगले दिन सुबह वॉश कर पहन लेना है, वो चार्ज हो जाएगा। उसको मून की एनर्जी चाहिए, चाहे सिल्वर हो या पर्ल हो। ऐसे ही इसके बाद आता है एमरल्ड। एमरल्ड को पहना जाता है कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फाइनेंशियल इश्यूज़ के लिए, ट्रेडिंग के लिए, इन सब के बेनिफिट के लिए एमरल्ड को इस फिंगर में पहना जाता है। कई बार इसमें भी पहनते हैं, कुछ लोग इसमें भी सजेस्ट करते हैं। आपने अगर एमरल्ड पहना हुआ है तो इसको आप होली वाटर लेंगे, उसके साथ में बेसिल लीव्स लेंगे, तुलसी की लीव्स, इसको वेंसडे के दिन आप इसमें डिप करेंगे, सनराइज में छोड़ेंगे, बिकॉज इसको भी सन एनर्जी चाहिए होती है, और थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए छोड़ेंगे, वॉश करके इसको पहन लेंगे, आपका एमरल्ड चार्ज हो जाएगा ऑन अ वेंसडे। ठीक इसी तरीके से इसके बाद आता है येलो सफ़ायर। बहुत सारे लोग इस फिंगर में येलो सफ़ायर पहनते हैं। अगर आप इसमें गोल्ड का बैंड पहनते हैं, डेली कोई गोल्ड का कड़ा पहनते हैं या येलो सफ़ायर पहनते हैं, ये सेम ही तरीके से चार्ज होंगे। आप टर्मरिक लेंगे, टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी इसको होली वाटर में डिप करेंगे, इसको एक से दो घंटे के लिए सनराइज चाहिए होगा ऑन अ थर्सडे, चाहे गोल्ड का चीज़ हो जो आप रोज़ पहनते हो या येलो सफ़ायर हो, और ये चार्ज हो जाएगा रेडी टू वेयर। ठीक इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लू सफ़ायर पहनते हैं, जिसको हम नीलम बोलते हैं, ब्लू सफ़ायर या एमेथिस्ट अगर आप पहनते हैं, इसको सनराइज में चार्ज नहीं करते, इसको सनसेट के बाद चार्ज करते हैं, इसको बाहर नहीं रखते, इसको घर के टेम्पल में रख देते हैं या घर में जो भी आपने पूजा की जगह बनाई हो, आइडियली इसको शिव जी के सामने रख देते हैं। तो इसको आपने वाटर लिया, उसके साथ में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट लिया, आप रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं जो इजीली मिले, डिप कर दिया भगवान जी के आगे रख दिया और पूरी रात रहने दिया ऑन अ सैटरडे नाइट। वाटर को हमने प्लांट्स में डाल दिया, डोंट वेस्ट एनीथिंग, प्लीज़ री यूटिलाइज इट, पौधे में डाल दीजिए इसको, प्लांट को में डाल दिया पानी को और सुबह रिंग को वॉश करके पहन लिया, ब्लू सफ़ायर चार्ज। ठीक इसी तरीके से डायमंड, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस,
बहुत सारी फीमेल्स डायमंड्स पहनती हैं, पहनती सोती नहाती सब कुछ डायमंड पहन के करती हैं. इसको कैसे चार्ज करेंगे? कोई भी डायमंड अगर स्किन टचिंग है, चाहे मेल हो या फीमेल, तो वो काम कर रहा है. ये आपके वीनस को एनहांस करता है, आपकी लाइफ में प्लेजर जो है वो वीनस लाता है. अब इसको चार्ज कैसे करेंगे? हम थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे, आप किसी प्लांट की भी ले सकते हैं. आई वुड प्रेफर आप कुम्हार की मिट्टी ले आइए जो घड़े बनाता है. इसको आप एक कटोरी में लेकर मिट्टी के साथ अंदर मिट्टी में दबा दीजिए ऐसे, और इसको माँ लक्ष्मी के सामने ऑन अ फ्राइडे रख दीजिए. इसको ओवरनाइट रहने दीजिए, सुबह वॉश करके पहन लीजिए. स्टोन की ग्राउंडिंग हो जाएगी, ये आपको बेनिफिट देने लगेगा. अगर ये अभी कोई असर नहीं कर रहा, पहना हुआ है कोई फ़र्क नहीं पता चल रहा, तो इसको फ्राइडे के फ्राइडे चार्ज कीजिए, फ़र्क अपने आप पता चलेगा. अपनी चीज़ों को ड्राई क्लीन करना शुरू कीजिए. ठीक इसी तरीके से दो और स्टोन्स लोग पहनते हैं. पहला स्टोन पहनते हैं हिजोनाइट, गार्नेट, इस तरीके के, टू इन्हांस द इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट राहु. इनको आप कैसे चार्ज करेंगे? इनको नेचुरल एलिमेंट की बजाय हम इनकी डेटी के साथ चार्ज करते हैं. पानी लिया या होली वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट नमक डाला और इनको माँ सरस्वती के आगे रख दिया. गार्नेट एंड हिजोनाइट ठीक पूरी रात रहे और अगले दिन स्टोन को वॉश किया और वापस पहन लिया. ये माँ सरस्वती से चार्ज होते हैं राहू के स्टोन्स. इसी तरीके से कैट्स आई पहनते हैं, टाइगर आई पहनते हैं, तो आप इनको गणपति जी के आगे चार्ज करेंगे. सेम प्रोसीजर, बाउल लिया, पानी डाला, उसमें सॉल्ट डाला, पूरी रात छोड़ा, सुबह वॉश करके पहन लिया. जब भी आप अपने किसी भी स्टोन को चार्ज करते हैं तो इसका इफेक्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट. अनदर स्टोन, बहुत सारे लोग रेड कोरल पहनते हैं जिसको हम मूंगा बोलते हैं, ब्लड स्टोन बोलते हैं. इसको हम कैसे चार्ज करेंगे? ये रहा. जैगरी पाउडर से हम वाटर लेंगे. इसकी भी सन से अच्छी फ्रेंडशिप है, तो इसको भी सनराइज में चार्ज करेंगे. थोड़ा सा जैगरी वाटर लेंगे, इसको होली वाटर के साथ डालकर रेड कोरल को हम सनराइज में चार्ज करने रख देंगे. आधा घंटा, पौना घंटा, 40 मिनट्स आई सजेस्ट लोगों को छोड़ना चाहिए. इसको छोड़ा, वाटर को और जैगरी को हमने प्लांट में डाल दिया और फिर इसको पहन लिया, तो ये चार्ज हो जाएगा. इसी तरीके से सिंपल तरीके से आप अपने घर में अपने स्टोन्स को जो आप पहनते हैं उसको चार्ज कीजिए. जैगरी के तरीके से ही, जैगरी से ही आप अपने कॉपर, अगर आप कॉपर का कड़ा पहनते हैं या कॉपर का बैंड पहनते हैं, कॉपर की कोई चीज़ पहनते हैं, तो उसको भी आप चार्ज कर सकते हैं. प्लैटिनम को हम वैसे ही चार्ज करेंगे जैसे हम डायमंड को चार्ज करते हैं, क्योंकि वो वीनस का ही एलिमेंट है. और सिल्वर का मैंने आपको बता दिया था कि पर्ल और मून को हम सेम तरीके से चार्ज करेंगे. तो ऐसे जो भी चीज़ आप पहन रहे हैं वो हर दिन सब कुछ आपका अब्जॉर्ब कर रही है, अपने पास रखे जा रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है. उसको साफ करना, उसको क्लेंस करना आपकी ड्यूटी है. और सब चीज़ में हम वाटर का यूज़ ज़रूर करेंगे. आप नहाते हैं तो आप गेहूं से या चावल से या आटे से तो नहीं नहा लेते ना, आपको पानी चाहिए टू फील क्लेंस, टू फील फ्रेश. ठीक इसी तरीके से आपके स्टोन्स को, आपके पहने हुए पत्थरों को भी वाटर चाहिए टू क्लेंस इट. बट ये नेचुरल एलिमेंट के साथ चार्ज किए जाते हैं, या तो किसी डेटी के आगे, या सन के साथ, या मून के साथ, या अर्थ के साथ. तो ऐसे आप अपने स्टोन्स को चार्ज कीजिए और इनका पॉजिटिव इफेक्ट जो अब आपको नहीं मिल रहा होगा बिकॉज आप चार्जिंग नहीं कर रहे हैं, ज़रूर कीजिए. अदरवाइज ये काम नहीं करते हैं, ये कुछ टाइम बाद स्टेबिलिटी दे देते हैं. इसलिए ट्राई एंड एनहांस देम एवरी वीक.